Hi everyone, this is me, Guy That Does Everything, back with another budget product review. So last time मैंने अपने चैनल पर Logitech G502 और Glorious Model O का रिव्यू करवाया था, जो कि माउस की काफी एक्सपेंसिव कैटेगरीज में आते हैं, because they cost from 9,000 to 12,000 rupees, which of course is a lot of money. और वैसे भी बहुत से लोगों का ये मानना है कि माउस चाहे महंगा हो या सस्ता, जब आपने दोनों को ही पकड़ के सिर्फ हिलाना होता है, so why we should be paying extra? So, आज की इस वीडियो में मैं खूनी J95 यानी ब्लडी J95 का रिव्यू करने जा रहा हूं, जो कि अपने सिर्फ 3000 के बजट और डीसेंट गेमिंग फीचर्स की वजह से लुक्स क्वाइट प्रॉमिसिंग. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द रिव्यू. Alright, so when it comes to buying a budget gaming mouse, जिन लोगों का बजट 2,000 से 3,000 का होता है, उनको एक ऐसा माउस चाहिए होता है जिसमें RGB का भरपूर शशका हो, जो दिखने में हैवी, पकड़ने में स्मूथ और दबाने में अलग ही मजा दे. Wait a minute, हम माउस की बात कर रहे हैं ना? Of course. What else can we talk about, right? So you basically get all of these shashkas and features in this mouse already. Now if we talk about the shape and design of this mouse, then it's got very comfortable palm grip aur iski dono sides par rubberized texture hone ki wajah se aapko kafi achhi grip milti hai, and this also really helps you if you get sweaty hands. Aur iske saath saath it's also got quite unique, well blended and completely customizable RGB design. So, अभी तक तो ये माउस इन सब बातों की वजह से काफी अच्छा लग रहा है, but I have two major issues with this mouse that are absolutely deal breaker. पहली चीज तो इसका वेट, जो कि 160 grams है, जो कि एक गेमिंग माउस के एतबार से काफी ज्यादा हैवी है, और दूसरा मेन इश्यू इसके माउस फीट का है, that bloody calls Metalex Glide Armor Boot. और ये माउस फीट इतने स्मूथ और मक्खन मलाई हैं कि इवन माउस को क्लिक करने पर भी माउस का पॉइंटर स्लाइटली मूव हो जाता है, विच इज सुपर अनोइंग, क्योंकि गेम खेलते वक्त अगर स्नाइपर से आप किसी का हेडशॉट लेना चाह रहे हैं, एंड इफ यू प्रेस द बटन, देन यू विल प्रोबेबली एंड अप शूटिंग दैट गाय इन हिज बॉल्स इंस्टेड ऑफ हिज हेड. अब इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद बहुत से लोग फिर भी इस माउस को परचेस करते हैं, और उसकी मेन वजह यह है कि ये माउस जिस सॉफ्टवेयर के साथ आता है, उससे बहुत इजीली आप लोग गेम्स में डिफरेंट टाइप्स की हैकिंग कर सकते हैं. इवन दिस माउस ऑलरेडी कम्स विद एन एक्स्ट्रा रैपिड फायर बटन अलॉन्ग विद डिफरेंट रिकॉइल कंट्रोल स्क्रिप्ट्स एंड प्रोफाइल्स. और यही वजह है कि काफी गेम्स में ब्लडी और A4 टैग के माउस को इन्हीं हैकिंग वाले फीचर्स की वजह से बैन किया जा रहा है. इवन लास्ट ईयर रस्ट डेवलपर्स हैव आल्सो बैन्ड ऑल ऑफ द A4 टैग एंड ब्लडी माइस बिकॉज ऑफ द सेम हैकिंग फीचर. एंड नाउ एज फॉर द फाइनल कंक्लूजन, आई रियली डोंट रिकमेंड दिस माउस एट ऑल. मैं इस माउस को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, इवन अगर आपको इसके हैवी वेट से भी कोई इशू ना हो, बट स्टिल यू विल एब्सोल्युटली हेट इट्स स्लिपरी माउस फीट. सो माई रिकमेंडेशन वुड बी टू जस्ट सेव सम मोर मनी एंड बाय समथिंग लाइक Logitech G402, विच इज वे बेटर देन दिस ब्लडी माउस. Alright, so that sums up the review of bloody J95 mouse. Like this video if you like it, and don't forget to subscribe to the channel. And I will see you with the next one. Bye.